नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एनालाइज करेंगे देव आनंद साहब के सारे मूवियों के बारे में। देव आनंद साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 को हुई थी और इसकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 को हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहली मूवी आई थी 1946 में आई थी हम एक हैं। इसमें दुर्गा खोटे, देव आनंद, रहना और रहमान नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1947 में आई थी मोहन। इसमें देव आनंद, हेमवती और बिमला नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1947 में आई थी आगे बढ़ो। इसमें देव आनंद, खुर्शीद, कमला कोटनीस नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1948 में आई थी विद्या। इसमें देव आनंद, सुरैया और मदनपुरी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1948 में आई थी जिद्दी। इसमें देव आनंद, कामिनी कौशल और प्राण नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म 1948 में आई थी हम भी इंसान हैं। इसमें देव आनंद, रमोला पाल और जी दास नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म 1949 में आई थी उधार। इसमें देव आनंद, प्रतिमा देवी और मुनवर सुल्ताना नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1949 में आई थी नमूना। इसमें देव आनंद, प्रतिमा देवी, कोयल और किशोर साहू नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1949 में आई थी शायर। इसमें देव आनंद, सुरैया और कामिनी कौशल नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म 1949 में आई थी जीत। इसमें देव आनंद, सुरैया, कन्हैयालाल चतुर्वेदी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म 1950 में आई थी निराला। इसमें देव आनंद और मधुबाला लीड रोल में थे। इससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1950 में आई थी नीली। इसमें देव आनंद, सुरैया और आघा और श्यामा नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1950 में आई थी मधुबाला। इसमें देव आनंद और मधुबाला नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1950 में आई थी खेल। इसमें देव आनंद और नरगिस नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1950 में आई थी हिंदुस्तान हमारा। इसमें पृथ्वीराज कपूर, देव आनंद, दुर्गा खोटे और नन्ही जसवंत नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1950 में आई थी दिलरुबा। इसमें देव आनंद, कोयल, रहना और याकूब नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1950 में आई थी बीरा की आग। इसमें ओम प्रकाश, देव आनंद और स्नेह परवा नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1950 में आई थी अफसर। इसमें देव आनंद और सुरैया नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1951 में आई थी स्टेज। इसमें देव आनंद और रमोला नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1951 में आई थी सजा। इसमें देव आनंद, निम्मी, श्यामा और के एन सिंह नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1951 में आई थी सनम। इसमें देव आनंद, सुरैया और मीना कुमारी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1951 में आई थी नादान। इसमें देव आनंद और मधुबाला नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1951 में आई थी दो सितारे। इसमें देव आनंद, सुरैया, कुलदीप कौर और मुमताज नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1951 में आई थी बाजी। इसमें देव आनंद, गीता वाली और कल्पना कार्तिक नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगली फिल्म 1951 में आई थी आराम। इसमें देव आनंद, मधुबाला और प्रेमनाथ नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1952 में आई थी आंधियां। इसमें देव आनंद, कल्पना कार्तिक और निम्मी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1952 में आई थी जाल। इसमें देव आनंद और गीता वाली नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1952 में आई थी तमाशा। इसमें मीना कुमारी, देव आनंद, अशोक कुमार और किशोर कुमार नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1952 में आई थी जलजला। इसमें देव आनंद, गीता वाली और किशोर साहू नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1953 में आई थी अरमान। इसमें देव आनंद और मधुबाला नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1953 में आई थी हम सफर। इसमें देव आनंद, कल्पना कार्तिक और मोहन सहगल नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1953 में आई थी पतिता। इसमें देव आनंद, उषा किरण, आघा और ललिता पवार नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म
1954 में आई थी टैक्सी ड्राइवर, इसमें देवानंद, कल्पना कार्तिक, शीला रामानी और जॉनी वॉकर नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अगली फिल्म 1954 में आई थी कश्ती, इसमें देवानंद और गीता वाली नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1954 में आई थी बादबान, इसमें देवानंद, मीना कुमारी, अशोक कुमार और उषा किरण नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1955 में आई थी मिलाप, इसमें देवानंद, गीता वाली और जॉनी वॉकर नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1955 में आई थी मुनीम जी, इसमें देवानंद, नन्नी जसवंत, प्राण और नमिता नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1955 में आई थी इंसानियत, इसमें दिलीप कुमार, देव आनंद और बीना राय नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1955 में आई थी हाउस नंबर 44, इसमें देव आनंद, कल्पना कार्तिक और के एन सिंह नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एबव एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1955 में आई थी फरार, इसमें देव आनंद, गीता वाली और जॉनी वॉकर नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1956 में आई थी पॉकेट मार, इसमें देव आनंद, गीता वाली, नदीरा और ललिता पवार नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1956 में आई थी फंटूस, इसमें देव आनंद, शीला रामानी और के एन सिंह नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एबव एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1956 में आई थी सीआईडी, इसमें देव आनंद, शकीला और वहीदा रहमान नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अगली फिल्म 1957 में आई थी 9-2-11, इसमें देव आनंद, कल्पना कार्तिक, शशिकला और जीवन नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1957 में आई थी पेइंग गेस्ट, इसमें देव आनंद और नूतन नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1957 में आई थी दुश्मन, इसमें देव आनंद, उषा किरण और कुमकुम नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1957 में आई थी बारिश, इसमें देव आनंद और नूतन नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1958 में आई थी 16 साल, इसमें देव आनंद, बहिता रहमान और टुनटुन नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म 1958 में आया था काला पानी, इसमें देव आनंद, मधुबाला और नन्नी जसवंत नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1958 में आई थी अमरदीप, इसमें देव आनंद, वैजयंती माला और पद्मिनी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1959 में आई थी लव मैरिज, इसमें देव आनंद और माला सिन्हा नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1960 में आई थी मंजिल, इसमें देव आनंद, नूतन और अंचला सचदेव नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1960 में आई थी काला बाजार, इसमें देव आनंद, वहीदा रहमान और नंदा नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1960 में आई थी सरहद, इसमें देव आनंद, धूमल, मोनी चटर्जी और सुचित्रा सेन नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1960 में आई थी जाली नोट, इसमें देव आनंद और मधुबाला नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1960 में आई थी एक के बाद एक, इसमें देव आनंद और शारदा नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1960 में आई थी बॉम्बे का बाबू, इसमें देव आनंद, सुचित्रा सेन और जीवन नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म 1961 में आई थी रूप की रानी चोरों का राजा, इसमें देव आनंद, बहिदा रहमान और सुंदर नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1961 में आई थी माया, इसमें देव आनंद, माला सिन्हा और ललिता पवार नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म 1961 में आई थी जब प्यार किसी से होता है, इसमें देव आनंद, आशा पारेख और प्राण नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म 1961 में आई थी हम दोनों, इसमें देव आनंद, साधना और नंदा नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म 1962 में आई थी बात एक रात की, इसमें देव आनंद, वहीदा रहमान और जॉनी वॉकर नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म 1962 में आई थी असली नकली, इसमें देव आनंद, साधना और नाजिर हुसैन नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म 1963 में आई थी तेरे घर के सामने, इसमें देव आनंद, नूतन और राजेंद्र नाथ नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म
1963 में आई थी किनारे किनारे, इसमें देव आनंद, मीना कुमारी और चेतन आनंद नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1964 में आई थी शराबी, इसमें मधुबाला और देव आनंद नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1965 में आई थी तीन देवियां, इसमें देव आनंद, सिमी सेरगल, नंदा और कल्पना नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म 1965 में आई थी गाइड, इसमें देव आनंद, वहीदा रहमान नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अगली फिल्म 1966 में आई थी प्यार मोहब्बत, इसमें देव आनंद, सायरा बानो नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1967 में आई थी ज्वेल थीप, इसमें अशोक कुमार, देव आनंद, भजंती माला और तनुजा नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अगली फिल्म 1968 में आई थी कहीं और चल, इसमें देव आनंद, आशा पारेख नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1968 में आई थी दुनिया, इसमें देव आनंद, भजंती माला, बलराज सहनी और जॉनी वॉकर नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म 1969 में आई थी महल, इसमें देव आनंद, आशा पारेख और फरीदा जलाल नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1970 में आई थी प्रेम पुजारी, इसमें देव आनंद, वहीदा रहमान, शत्रुघ्न सिन्हा और जहीदा नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1970 में आई थी जॉनी मेरा नाम, इसमें देव आनंद, हेमा मालिनी, प्राण और जीवन नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगली फिल्म 1971 में आई थी गैम्बलर, इसमें देव आनंद, शत्रुघ्न सिन्हा और जहीदा नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1971 में आई थी तेरे मेरे सपने, इसमें देव आनंद, मुमताज और हेमा मालिनी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1971 में आई थी हरे राम हरे कृष्ण, इसमें देव आनंद, जीनत अमान और मुमताज नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म 1972 में आई थी ये गुलिस्तान हमारा, इसमें देव आनंद और शर्मिला टैगोर नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1973 में आई थी शरीफ बदमाश, इसमें देव आनंद और हेमा मालिनी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1973 में आई थी हीरा पन्ना, इसमें देव आनंद, जिन्नत अमान और राखी और रहमान नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म 1973 में आई थी बनारसी बाबू, इसमें देव आनंद, राखी और योगिता वाली नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म 1973 में आई थी छुपा रुस्तम, इसमें देव आनंद, हेमा मालिनी, विजय आनंद और बिंदु नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एबव एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1973 में आई थी जोशीला, इसमें देव आनंद, हेमा मालिनी और बिंदु और राखी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1974 में आई थी प्रेम शास्त्र, इसमें देव आनंद, जीनत अमान और बिंदु नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1974 में आई थी अमीर गरीब, इसमें देव आनंद और हेमा मालिनी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म 1975 में आई थी वारंट, इसमें देव आनंद, जिन्नत अमान, प्राण और दारा सिंह नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म 1976 में आई थी जाने मन, इसमें देव आनंद और हेमा मालिनी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म 1976 में आई थी बुलेट, इसमें देव आनंद, प्रवीण बॉबी, राकेश रोशन और कबीर बेदी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1977 में आई थी कलाबाज, इसमें देव आनंद और जिन्नत अमान नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1978 में आई थी देश परदेश, इसमें देव आनंद, अमित खन्ना और नवकेतन नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एबव एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म 1980 में आई थी लूटमार, इसमें देव आनंद, टीना मुनीम, राखी गुलजार और निरुपा नायन नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म 1980 में आई थी मनपसंद, इसमें देव आनंद और टीना मुनीम नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म 1985 में आई थी हम नौजवान, इसमें देव आनंद, ऋचा शर्मा और तब्बू नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म 1989 में आई थी सच्चे का बोलबाला, इसमें देव आनंद, जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी सादरी और हेमा मालिनी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1989 में आई थी लश्कर, इसमें देव आनंद, अजित पंचोली, सोनम और जावेद जाफरी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। अगली फिल्म 1990 में आई थी अब्बल नंबर, इसमें देव आनंद, आमिर खान, आदित्य पंचोली नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। अगली फिल्म
1991 में आई थी 100 करोड़, इसमें देव आनंद, नसरुद्दीन शाह और अनुपम खेर नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म 1994 में आई थी गैंगस्टर, इसमें देव आनंद और ममता कुलकर्णी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। अगली फिल्म 1996 में आई थी रिटर्न ऑफ ज्वेल थीप, इसमें अशोक कुमार, देव आनंद, धर्मेंद्र और जैकी श्रॉफ नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म 1998 में आई थी मैं 16 बरस की, इसमें देव आनंद, जस अरोरा, दीपक तिजोरी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। अगली फिल्म 2001 में आई थी सेंसर, इसमें देव आनंद, जैकी श्रॉफ, हेमा मालिनी, ममता कुलकर्णी और शम्मी कपूर नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। अगली फिल्म 2003 में आई थी लव एट टाइम स्क्वायर, इसमें देव आनंद, कौशिक, सतीश शाह, आशीष विद्यार्थी और विक्रम गोखले नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। अगली फिल्म 2005 में आई थी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इसमें देव आनंद, प्रेम चोपड़ा और बोमन ईरानी नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। अगली फिल्म 2011 में आई थी चार्जशीट, इसमें जैकी श्रॉफ, दिव्या दत्ता, नसरुद्दीन शाह और देव आनंद नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। यह फिल्म देव आनंद साहब की आखिरी फिल्म थी।